हेलो, नमस्कार दोस्तों। 16 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के साथ मेन से क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मेनली वॉस इन इंटरवेंशन के बारे में है। तो इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था, तो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन ये है कि वॉस इंटरवेंशन है क्या, इससे आप क्या समझते हो। वॉस इंटरवेंशन के बारे में आपको बताना है, और इसके बाद में आपको बताना है कि वॉस इंटरनेशनल के हस्तक्षेप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और जो बच्चों में स्टनिंग की जो प्रॉब्लम है, मतलब एज के अकॉर्डिंग जो हाइट नहीं बढ़ पाती है, उसके ऊपर आपको मेनली ज़्यादा फोकस करना है इस आर्टिकल में। मतलब जो कल हमने डिस्कस किया था उसमें से आपको मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएंगे, बट इसके अलावा आप एक्स्ट्रा पॉइंट है वो भी देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आपको 250 वर्ड में अटेम्प्ट करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आप ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा आंसर को। तो चलिए अब चलते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ। तो आज के समय जो पहला आर्टिकल है वो है पीएनबी घोटाले के बारे में। तो देख लेते हैं कि पीएनबी में क्या फ्रॉड हुआ। यह मतलब GS3 इकोनॉमी के से संबंधित हमारा आर्टिकल है, और देखते हैं इस आर्टिकल में क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात यह कि पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला सामने फ्रॉड सामने आया, जिसमें 11,400 करोड़ का घोटाला है वो था। अब क्या इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। तो देखो, इसके लिए दो तीन चीज़ें हमें पहले समझनी होंगी। पहली चीज़ तो है कि कोर बैंकिंग सर्विस कौन सी होती हैं, और इसके बाद में है अगला पॉइंट होता है, वो आता है लेटर ऑन अंडरटेकिंग LOU क्या होता है। तो कोर बैंकिंग सर्विसेज का मतलब ये होता है, आप इसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, कि जैसे आपका अकाउंट आपके होम टाउन में है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने होम टाउन की ब्रांच में जाके पैसे डिपॉजिट करो या निकलो, आपको कोई भी काम हो तो आप पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जहां भी उस बैंक की ब्रांच है वहां से पैसे निकलवा सकते हो, सारे काम कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ब्रांच है आपकी यहाँ पे, और बैंकों ने क्या करा, बैंकों ने एक सेंट्रल सिस्टम बना रखा है कि सारा डाटा वहां पर स्टोर होता है। जैसे कि एक सेंट्रल सिस्टम है, सारा डाटा बैंकों का यहाँ स्टोर होते जा रहा है। अब कोई भी दूसरी ब्रांच में से आप यहाँ की ब्रांच में गए तो क्या होगा, ये ब्रांच भी सेंट्रल सिस्टम से कनेक्ट है, तो होगा क्या कि ये ब्रांच यहाँ से डाटा कनेक्ट कर लेगी, और फिर जो भी आपसे संबंधित इस ब्रांच में आप गए तो आपको पैसे निकलवाने सारे काम है वो हो जाएंगे। तो मतलब होता है बैंकों में कि बैंकों का एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है कि उसके थ्रू बैंक सारे आपस में कनेक्ट होते हैं, और आप एक भी जगह जहाँ पैसे डिपॉजिट कराते हो, निकलवाते हो, अकाउंट में कोई भी मतलब पैसे डिपॉजिट निकलना कुछ भी काम होता है, तो वो दूसरी जगह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है कि हाँ भाई इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं। जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी चीज़ें कोर बैंकिंग सर्विसेज के अंतर्गत ही आती हैं, तो इसको कहते हैं कोर बैंकिंग सर्विसेज। बट होता क्या है कि कोर बैंकिंग सर्विसेज के साथ बैंकिंग है, बैंकिंग जो बड़े बैंक होते हैं वो लेटर ऑन अंडरटेकिंग वो जारी करते हैं। अब क्या है ये लेटर ऑन अंडरटेकिंग, ये देखते हैं। इसमें देखो ये होता है कि कोई कस्टमर से बैंक का काफ़ी अच्छा, मतलब बहुत अच्छा कस्टमर है और उसने काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी है, मतलब उसका काफ़ी अच्छा पॉइंट है, अगर उसकी सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट होती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि बैंक उसको भी अनुमति देता है कि आप फॉरेन में अगर किसी ब्रांच से भी अगर आप पैसा वगैरह ले रहे हो तो आपको थोड़ी हेल्प वो मिल जाएगी। अब किस तरीके से हेल्प मिलेगी वो देखते हैं। जैसे कि PNB बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं कि जो भी केस था पूरा वही कि PNB बैंक था। तो PNB बैंक की क्या थी, अभी PNB बैंक में जो यहाँ पे मोदी साहब थे, जो उनकी मैनली जिनका केस था उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या कहें कि उनका एक्चुअली काफ़ी कारोबार था बाकी वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ में भी। तो आपको पता है कि अदर कंट्रीज़ में भी इंडिया के बैंक हैं, उनकी ब्रांच हैं, जैसे कि SBI की भी ब्रांच है, इलाहाबाद बैंक है, एक्सिस बैंक है, उन बैंकों की भी ब्रांच हैं। तो अब जो PNB बैंक था, इसने क्या कि लेटर ऑन अंडरटेकिंग जारी किया। लेटर ऑन अंडरटेकिंग जारी करने का मतलब ये है कि PNB ने उस आदमी को, मोदी साहब को अनुमति दे दी कि आप वर्ल्ड की किसी भी बैंक, जो बैंक इंडिया से रिलेटेड है, उन बैंक में आप जाइए और वहाँ से आप पैसा ले सकते हो। उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं कि हाँ भैया आदमी पैसे नहीं देगा तो हम इसके पैसे रिटर्न करेंगे। अब वो लेटर दे दिया मोदी साहब को, तो मोदी साहब गए बैंक जहाँ की, उनको सिंगापुर में पैसा चाहिए था अपनी कंपनी के लिए, तो सिंगापुर में जाते हैं और वहाँ से बैंक को दिखाते हैं, इलाहाबाद बैंक को, जिसको भी, कि ये लो भाई देखो मेरे पास PNB का LOU है, और PNB का ऑलरेडी उसके साथ एग्रीमेंट हुआ होता है इलाहाबाद बैंक है जिसके साथ भी, तो उसको इलाहाबाद बैंक पैसे देता है कि हाँ ठीक है भाई ये लो पैसे आपकी जिम्मेदारी, तो PNB ने ले रखी है। तो इस तरीके से लेटर ऑन अंडरटेकिंग वो जारी किया जाता है। अब हुआ क्या यहाँ पे, हुआ ये PNB के इस केस के अंतर्गत कि एक जो बैंक का कर्मचारी था वो ही एक्चुअली फर्जी तरीके से गफले कर रहा था। वो कर क्या रहा था, उसने फर्जी तरीके से मतलब अपने सीनियर को बिना पूछे के क्या लेटर और अंडरटेकिंग वो सारी जारी कर दिया PNB का जो कस्टमर थे, जो मोदी साहब थे इनके लिए, और फिर इन्होंने क्या कि दूसरी ब्रांच से जो जाके इलाहाबाद बैंक वगैरह थी वहां से पैसा ले लिया। तो मतलब क्या कि बैंकों के जो बड़े अधिकारी थे उनको पता ही नहीं चला, तो इसलिए उन्होंने सिस्टम के साथ छेड़खानी करके इस तरीके से गफला है वो किया था। तो ये सारा मामला था। तो इसमें जो बाकी बैंक्स हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक भी हैं, इलाहाबाद बैंक हैं, बाकी और बैंक हैं, उनका टोटल 11,400 करोड़ का फ्रॉड है वो। तो ये सारा मामला था जो क्या था। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है हमारे लिए, तो UPSC राम खानी तो नहीं पूछने वाली है। UPSC पूछेगी कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके के रिफॉर्म आने चाहिए, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज़ हमें ये देखनी है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि आज के टाइम पे इतना डिजिटल इंडिया हो रखा है, उसके बावजूद अगर इतने बड़े फ्रॉड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी बड़ी कमी है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करप्शन हो रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में हमें रिफॉर्म लाने होंगे, और उसके बाद हमें ये देखना होगा कि
जो एजेंसी है वो प्रॉपर ढंग से काम क्यों नहीं कर पा रही है, मतलब कहाँ कमी आ रही है, और जो बाकी छोटे लेवल के अधिकारी या जो लोग होते हैं वो किस तरीके से फ्रॉड को अंजाम देते हैं। मतलब एक तरीके से इसके लिए पूरी कमेटी वगैरह बैठनी चाहिए, और जो भी प्रॉपर छानबीन रिसर्च होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी दोषी है उसको कार्रवाई के अकॉर्डिंग सजा वो मिलनी चाहिए। तो ये था कंप्लीट केस जो पीएनबी का हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, वो भी डिस्कस किया, और सारा इशू आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। अगला जो आर्टिकल आज वो है मेरे लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी मतलब प्रोसीजनिंग होती है उनको लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मतलब उनको मीडिया में जैसे कि टेलीविजन पर लोकसभा राज्यसभा के जो स्पीच आते हैं ना लाइव आता है लाइव कास्ट, उसी तरीके से आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, उस बात को लेकर है। तो यह GS2 के लिए इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इसमें 3 पॉइंट हैं हाँ के पक्ष में कि हाँ यस, कोई एक का कहना कि हाँ भाई होने चाहिए लाइव स्ट्रीमिंग, दूसरा कहते हैं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और तीसरा कहते हैं कि होने तो चाहिए बट कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करने चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो मैं इस आर्टिकल में जो जो पॉइंट्स हैं हमारे लिए, हम उन एक एक पॉइंट को यहाँ पे अब्सट्रैक्ट है वो कर लेंगे। तो देखो इसमें सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है इन यस के फेवर में, ये मैडम साहब ये कह रही हैं कि भी हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इनका पहला तर्क ये देना है कि देखो ओपन कोर्ट सिस्टम है, तो ओपन कोर्ट सिस्टम को अगर गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है तो उसके तहत ही सबसे बड़ी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि भाई ऐसा काम होना चाहिए कि लाइक बाकी लोग हैं वो भी लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकें। और दूसरी बात ये आती है कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा की लाइव स्ट्रीमिंग होती है 2004 से, तो उसी प्रकार इनकी क्यों नहीं हो सकती, ताकि लोगों को अवेयरनेस होना कि भाई किस तरीके से जुडिशियरी में काम होता है, लोगों को फंक्शंस वगैरह के बारे में पता चले। और दूसरा एक सबसे अच्छा पॉइंट रखते हैं जो इस लाइन का आप यूज़ भी कर सकते हो ऐसे वगैरह में, इनका वो ये कहना है कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। न्याय होना अच्छी बात है कि हाँ न्याय हो रहा है, जस्टिस होना बहुत अच्छी बात है, बट न्याय होते हुए दिखना भी तो चाहिए ना लोगों की, हाँ भाई इस तरीके से न्याय हुआ है, ताकि हमारी सोसाइटी पर अच्छा इंपैक्ट हो पड़े। तो ऐसा इनका पॉइंट वो सामने आता है। इसके बाद में इनका ये कहना है कि भाई जो सारे केसेस हैं ना, सभी केसेस वो एक्चुअली मतलब लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होने चाहिए। कुछ कुछ केसेस हैं जैसे कि फैमिली वगैरह केस हुआ या फिर कोई इंपॉर्टेंट काफ़ी सेंसिटिव मामला है, उसको एक्चुअली मीडिया के सामने नहीं लेके आना चाहिए। उसके अलावा बाकी जो केसेज हैं जैसे कि सबरीमाला टेम्पल में वुमेन की एंट्री का केस था, तो वो एक्चुअली लाइव स्ट्रीमिंग होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ कमी है, किस तरीके से लोग इस चीज़ को गलत माइंड में ले रहे हैं, तो वह क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। इसके साथ ही जैसे राइट टू चॉइस का बात आती है, आधार कार्ड की आती है, या फिर सेक्शन 377 जो IPC का उसमें चेंजेस की बात है। तो ऐसे जो केसेस हैं जो कि पब्लिक पर्पज के लिए काफी अच्छे होते हैं, जो पब्लिक के जो सॉरी पब्लिक के जो इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उन केसेस को एक्चुअली लाइव स्ट्रीम के वो करना चाहिए। इसके बाद में बात आती है कि देखो राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात आई है, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन की में ये कहा जा रहा है इनकी तरफ से कि भाई जो हमारे देश में राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोक्योरमेंट जो भी प्रोसीडिंग होती है उनको लाइव ना दिखाई जाए, बाकी लोगों को भी तो राइट बनता है ना कि वो भी देख सके, भाई उनकी अधिकार है, उनके पास पावर है कि वो देखना चाहें कि हाँ किस तरीके से हमारे कोर्ट्स में काम होता है। और अगला पॉइंट एक दिन की तरफ से ये बताया जाता है कि देखो जुडिशरी किस तरीके से फंक्शनिंग, जुडिशरी का फंक्शन वो किस तरीके से काम करता है लोगों को पता होना चाहिए, ताकि हमारी यूथ है वो अवेयर हो, और उनके अकॉर्डिंग आगे फ्यूचर में वो भी एक्चुअली जुडिशरी की तरफ अट्रैक्ट हो और आगे अच्छे डिसीजन वो आ सकें। क्योंकि देखो जब लोगों को पता चलेगा कि हमारी अदालत हमारे और लोगों को राइट्स का पता चलेगा कि अभी हमारे पास ये राइट्स हैं, अगर कोई भी इंसान हमारे साथ ऐसा करता है तो हमें इस चीज़ का राइट्स का बेनिफिट उठाना चाहिए। तो ऑल ओवर इनका ये कहना है कि हाँ भाई होनी चाहिए जो प्रोसीडिंग है वो लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए। अब इसके बाद में नो का कहना है, ये नो साहब ये भाई साहब है ये कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, इनका ये कहना है कि भाई देखो जुडिशियरी है ना वो जनरल पब्लिक के लिए अकाउंटेबल नहीं है, और ना ही वो जैसे पार्लियामेंट का मतलब सॉरी ना ही वो राज्यसभा इनका ये कहना है कि जुडिशियरी है वो जनरल जो पब्लिक है इसके लिए अकाउंटेबल नहीं है, और इसी के साथ जो हमारी आप बोल सकते हो कि संविधान है उसके प्रति मतलब जुडिशियरी है वो एक तरीके से जिम्मेदार है। मतलब साफ साफ इनका ऐसा कहना है कि जज हैं वो केवल और केवल हमारे लोग के प्रति जिम्मेदार हैं, इसी के साथ हमारे संविधान के प्रति जिम्मेदार हैं, वो किसी की सोसाइटी या किसी के प्रति जिम्मेदार नहीं है कि भाई उनको वो सही तरीके से ट्रीट करें। क्योंकि जजों का मेन काम क्या है कि हमारे संविधान में जो चीज़ कही गई है उनको फॉलो करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके, तो उनका काम ही नहीं कि भाई जनता क्या चाहती है जनता के हितों में वो काम करें। अब देखो इनका सबसे बड़ा तरीका है कि नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो ये कहते हैं कि देखो इनका एक पॉइंट ये आता है कि जजों की जो स्पीच वगैरह होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी जजमेंट वगैरह होती है, तो लोगों को पहली बात तो समझ में नहीं आएंगी, लोग उस चीज़ को गलत नज़रिए से ले लेंगे, और फिर होगा क्या कि जिस भी जज ने कोई स्पीच दी है उसका वो नेगेटिव मीनिंग निकाल के और उसको तरीके से परेशान करेंगे, तो वो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
इसके बाद में इनका अगला पॉइंट ये आता है कि हाँ ये अच्छी बात है कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ताकि बाद में कोई भी इसे रिव्यू वगैरह हो किसी भी केस का तो उस टाइम पर उससे हेल्प ली जा सके और उसका सही ढंग से यूज़ किया जा सके। तो इनके द्वारा मैंने ये पॉइंट कहा जाता है कि भाई देखो संविधान के प्रति ही केवल जज है वो जिम्मेदार हैं, इसके साथ ही जो ओनली कानून है उसके प्रति जिम्मेदार हैं और जो संविधान के अकॉर्डिंग जो कानून बना के तो उनके प्रति, इसलिए जनता क्या है कि जजों की केस समझ ही नहीं पाएगी ना ही उनकी जो जो भी उनकी प्रोसीडिंग होती है उनको समझ पाएगी ना ही उनके स्पीच वगैरह को। और कई बार क्या होगा कई बार उनके आपस में काफ़ी केसेस होने की वजह से आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वो यहाँ पे ठीक नहीं होता है। अब चलते हैं हम आगे, अगला जो पॉइंट आता है इनका तीसरे महासाहब का, ये कहते हैं कि हाँ भाई होनी तो चाहिए बट इसके साथ हमें कुछ रिफॉर्म है वो भी करके आने चाहिए। तो तीसरे भाई साहब का ये कहना है, बैलेंस पॉइंट वो दे रहे हैं, दो पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो इनका ऐसा कहना है कि जो लाइव स्ट्रीमिंग होने से ही कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है, हमारे जो भी जस्टिस मतलब हमारे जुडिशरी में जो भी कमी है उसके लिए हमें फंडामेंटल रिफॉर्म वो करने होंगे, जैसे कि स्ट्रक्चर में रिफॉर्म करना होगा, इसके साथ ही जो बाकी प्रोसीजर है उसमें भी रिफॉर्म करना होगा। जैसे कि कनाडा के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग होती है बट वहाँ पर और भी तरीके के रिफॉर्म होते हैं तो उन सारे रिफॉर्म की तरफ हमें फोकस करना होगा। और दूसरी बात इनके द्वारा ये पॉइंट आता है कि न्यायपालिका और मीडिया के बीच में एक अधिकारी होना चाहिए ताकि वो दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर सके। तो ये था कुछ इस आर्टिकल के पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। अब चलते हैं हम आगे, अगला जो आर्टिकल है ये मेनली एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस आर्टिकल में देखते हैं ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। देखो आर्टिकल साहब ये बता रहे हैं सबसे पहले राइटर कि 1966 में कोठारी आयोग बना था, सॉरी काफ़ी कोल्ड की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो कोठारी आयोग बना 1966 में, उन्होंने काफ़ी अच्छे सुझाव दिए, काफ़ी अच्छी उनकी रिकमेंडेशन थी बट हुआ क्या कि उनको गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी रिकमेंडेशन ये थी कि भाई हमारे देश की जो GDP है उसका 6% जो पैसा है वो एजुकेशन के अंदर खर्च होना चाहिए बट आज तक अभी हुआ नहीं है। अभी भी देखा जाए तो 3% से कम पैसा हमारे देश की GDP का एजुकेशन पर खर्च हो रहा है तो काफ़ी गलत बात है। अब इनका तर्क ये दे रहा है राइटर का कि देखो उस टाइम का सिचुएशन अलग थी, अगर उस टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग और आज की सिचुएशन देखा जाए तो माहौल ऐसा है कि उस टाइम पे 6% की बात थी तो आज तो पैसा कुछ ज़्यादा खर्च होना चाहिए बट बात ऐसी है कि आज तो 6% भी पैसा वो खर्च नहीं हो रहा है। मतलब एजुकेशन के अकॉर्डिंग आज हमारे देश में माहौल है और हमारा देश काफ़ी समृद्ध है, केपेबल भी है, लोगों की काफ़ी बड़ी आकांक्षाएं हैं तो उन सारी बातों को मद्देनजर रखा जाए तो हमें एजुकेशन पर खूब सारा पैसा खर्च करना चाहिए बट ऐसा नहीं है। आगे ये कह रहे हैं कि हाई प्रायोरिटी वो भी नहीं है और बजट के अंदर पैसा वो भी खर्च नहीं किया जा रहा है। इनके साथ इनका पॉइंट ये आता है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें क्वालिटी के लिए भी फंड है वो नहीं है। अब इनका ये कहना है कि प्राइमरी एजुकेशन है उसमें क्वालिटी के लिए हमारे देश में फंड नहीं दे रहा है। अभी नया बजट है उस बजट में भी क्या है कि प्रावधान नहीं किए गए हैं और राइट टू जो एजुकेशन की बात की कही जा रही है कि राइट टू एजुकेशन है उसको भी वास्तविकता का मोड है या जो अमृत रूप है वो नहीं दिया जा रहा है। अमृत रूप इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि फंड नहीं है, इसके साथ टीचर्स की ट्रेनिंग का इश्यू आता है कि टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती है और जो पब्लिक पॉलिसी है उसमें टीचर्स ट्रेनिंग को बिल्कुल महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो अब देखिए जब पब्लिक पॉलिसीज में टीचर्स ट्रेनिंग को महत्व नहीं दिया रहा तो जब अच्छे टीचर्स नहीं होंगे तो वो बच्चों को एजुकेशन कहाँ से देंगे। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करना होगा गवर्नमेंट को, तभी हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में वो सुधर सकता है। इसके बाद में आता है यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो ये आती है मेनली 1980 के आसपास की बात की जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे J.S. वर्मा, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन या कमेटी गठित की गई थी। तो उनका उन्होंने सुझाव दिया था कि भाई हमारे देश में पब्लिक अटेंशन और जो टीचर्स एजुकेशन है ट्रेनिंग है इन पे फोकस करना होगा बट हुआ क्या गवर्नमेंट ने उनकी रिकमेंडेशन को धरा का धरा पेपरों के नीचे दबा दिया, कोई स्टेप वो नहीं लिए। और 4 साल के लिए इनके द्वारा 20 बजट में सुझाव दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि भाई जो B.Ed. प्रोग्राम हो 4 साल का किया जाए ताकि टीचर्स की ट्रेनिंग हो ज़्यादा अच्छी हो। क्योंकि देखो जब टीचर्स 4 साल की ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे होगा कि टीचर्स अच्छी क्वालिटी लेके आएंगे तो बच्चों को ज़्यादा एजुकेशन वो दे सकेंगे। बट इसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट ये सारे स्टेप तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने सुझाव दिए, रिकमेंडेशन वगैरह सब आ गई हैं बट क्या गवर्नमेंट तैयार तो है क्या पैसे खर्च करने के लिए? क्योंकि गवर्नमेंट पैसा ही नहीं खर्च कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट लो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट लो, जो पैसा वो यहाँ पे खर्च नहीं किया जा रहा है। हर साल बजट में बातें खींचने की कोशिश की जाती है बट होता कुछ नहीं है ग्राउंड लेवल पर। अब सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही आता है कि क्या सरकार जो हायर एजुकेशन के प्रति अपनी जिम्मेदारी से अवगत है या नहीं है, मतलब सरकार हायर एजुकेशन के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है उनके बारे में जानती है नहीं जानती कि भी हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बट राइटर ऐसा कह रहे हैं कि देख के ऐसा लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों के बारे में अवगत ही नहीं है क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर तो गवर्नमेंट फोकस भी नहीं कर रही है बिल्कुल।
अब देखो, हायर एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित करता है। किस तरीके से करता है? अब जैसे एग्जांपल ले लो कि किसी ने भी, जैसे कि एमटेक वगैरह कोई भी टीचर है, उसने एमटेक वगैरह कुछ किया, अगर हायर एजुकेशन में क्वालिटी नहीं होगी तो होगा क्या कि उन स्टूडेंट के पास क्वालिटी नहीं होगी तो क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पर जो बच्चों को पढ़ाएंगे या वो भी जहाँ पर टीचर बनेंगे वो बच्चों को स्किल है वो नहीं दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम सारा जुड़ा होता है कि हायर एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो अच्छे टीचर नहीं बनेंगे, जब अच्छे टीचर ही नहीं बनेंगे तो बच्चों को क्या खाक स्किल देंगे। तो इन सारी बातों को यहाँ पे मैं मद्देनजर रखना होगा। और इसी के साथ जो प्राइमरी लेवल पर है वहाँ पे भी स्किल होनी चाहिए, क्योंकि उसको प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स होते हैं उनको डबल लैंग्वेज में काम करना होता है, मतलब दो भाषाओं में, क्योंकि एक तो बच्चे की रीजनल लैंग्वेज है उन पर जो मातृभाषा है उस पर फोकस करना होता है, इसी के साथ उनको हिंदी इंग्लिश जो भी ऑप्शनल लैंग्वेज होते हैं उसके ऊपर भी फोकस करना होता है। तो प्राइमरी लेवल पर भी स्किल की कमी है। और ऑल ओवर बात इनके तो यही कही जा रही है कि टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़्यादा देना चाहिए, इसके साथ ही स्कूल में देखा जाए तो प्रैक्टिकल लैब है उसकी तरफ फोकस करना होगा। और अभी हो क्या रहा है हमारे देश में कि प्रैक्टिकल लैब है उनकी तरफ तो फोकस कुछ नहीं हो रहा है, स्कूलों में प्रैक्टिकल लैब होती नहीं है कि, और फॉर्मेलिटी के लिए दूसरी जगह की प्रैक्टिकल लैब उनका फोटोज़ वगैरह दिखाई जाती हैं, मतलब प्रैक्टिकल जो प्रायोगिक कार्य है वो तो बिल्कुल होते ही नहीं है। तो ये भी हमारे देश का काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, ताकि बच्चों को इससे दिक्कत क्या हो रही है कि बच्चों प्रैक्टिकल के बारे में जान ही नहीं पाते हैं। इसके बाद में बात आती है यशपाल रिपोर्ट की। देखो, यशपाल रिपोर्ट आई थी एक कमेटी की, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भाई हायर एजुकेशन है उसमें काफ़ी रिफॉर्म लाने होंगे, और उसमें सुझाव भी दिए गए थे अच्छे अच्छे सुझाव कि किस तरीके से हमें रिफॉर्म है वो लेके आने होंगे। बट हुआ क्या, सबसे बड़ी बात है वो यही आती है कि देखो पैसा चाहिए सुधार लाने, तो पैसा चाहिए और पैसा गवर्नमेंट दे नहीं रही है। और इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो रोड मैप, कि एक तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए और उसके साथ चाहिए पैसा। तो गवर्नमेंट को करना क्या होगा, गवर्नमेंट को एक तो पॉलिटिकल विल दिखानी होगी कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों को आना होगा, और इसी के साथ जो अहम काम होता है वो ये होगा कि एजुकेशन को इलेक्शन में प्राइमरी मुद्दा बनाना होगा और एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी होगी, चाहे बजट हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। जब तक एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी तब तक हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम है वो नहीं सुधरने वाला। तो ऑल ओवर यही बात है कि एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए फंड है वो देना होगा। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो इंडिया और कनाडा के रिलेशन से रिलेटेड है, जो कि GS2 से संबंधित है। इस आर्टिकल में मेनली फोकस किया गया है कि भी जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं इंडिया विजिट पे आ रहे हैं कल से, तो देखो फिर थोड़ा डाटा दिया गया है कि 3.6% जो पॉपुलेशन है वहाँ की, उसमें इनमें 3.6% पॉपुलेशन इंडिया की है, वहाँ की जो सेकंड लैंग्वेज है वो पंजाबी है, तो वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए। इसके बाद में बात आता है कि वहाँ की जो विधानसभाएँ हैं, जो पार्लियामेंट है वहाँ पे 17 जो MP है वो इंडियंस हैं, बट उसके बाद भी आर्टिकल कह रहे रिलेशन उतनी अच्छी नहीं है कि देखो इतनी मात्रा में इंडिया के लोग वहाँ रहते हैं, इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन है, उसके बावजूद भी इंडिया के रिलेशन कनाडा के साथ अच्छे नहीं है। क्यों नहीं अच्छे हैं वो कुछ पॉइंट आ रहे हैं। एक पॉइंट आ रहा है कि एक तो खालिस्तान की मांग, देखो हमारे देश में 1984 के आसपास पंजाब के एरिया में खालिस्तान की मांग उठी थी, तो था क्या मांग, ये थी कि भाई नया देश बनाया जाए खालिस्तान। तो उस बात का, अब देखो पंजाब में भी पंजाबी लोग रहते हैं मैक्सिमली, और वहाँ पे भी सिख लोग रहते हैं कनाडा में भी, तो आपस में इन लोगों का क्या है, आपस में किसी गुट बन गया था, और वहाँ पे भी बार बार क्या खालिस्तान की मांग उठती है, और उस चीज़ को लेकर इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो होता क्या है कि वहाँ पे जब कनाडा में मतलब खालिस्तान की मांग उठती है तो जो अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री हैं वो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं कि वोट बैंक के चक्कर में, तो इसीलिए वो रिलेशन इंडिया और कनाडा के रिलेशन अच्छे नहीं, क्योंकि इंडिया को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इंडिया के ही लोग अगर दूसरी कंट्री की मांग करेंगे तो इंडिया तो उस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। और इसकी वजह से हो क्या रहा है कि इंडिया के रिलेशन उतने अच्छे नहीं हो पा रहे जितने कनाडा के साथ होने चाहिए। तो बाद में राइटर ये कह रहे हैं कि देखो अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री इंडिया विजिट पे आ रहे हैं तो एक अच्छा मौका है इंडिया के पास और उनके पास कि रिलेशन को आगे तवज्जो दीजिए और रिलेशन आगे बढ़ा के लेके जाएं। इसके बाद में बात आती है इकोनॉमिक रिलेशन की, कि देखो कनाडा है उसके पास जो खनिज नेचुरल रिसोर्सेज वो काफ़ी अच्छे हैं, ऑयल रिजर्व भी काफ़ी अच्छे हैं, गैस रिसोर्सेज देख सको मतलब काफ़ी अच्छी मात्रा में, और इंडिया को जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए इन सब चीज़ों की जरूरत है। तो इन दोनों के रिलेशन एक साथ काफ़ी आगे जा सकते हैं ट्रेड के मामले में। और इसी के साथ जो हायर एजुकेशन की बात है, तो इंडिया से काफ़ी सारे यूथ हैं वो हायर एजुकेशन के लिए वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी उनको छूट भी मिलती है। इवन जैसे कि जब वो वहाँ पे ग्रेजुएशन वगैरह कुछ कर लेते हैं तो उनको 3 साल के लिए वहाँ पे मौका भी मिलता है कि वहाँ पे अपना जॉब वगैरह सेटलमेंट है वो कर सकते हैं। तो मतलब काफ़ी लिबरल रूल है इंडिया के फेवर में वहाँ के। तो फिर भी रिलेशन हमें और ज़्यादा इंप्रूव हो करने होंगे, ताकि और ज़्यादा रिलेशन इंप्रूव हो तो उससे इंडिया और कनाडा के ज़्यादा रिलेशन है आगे जाएंगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहला आर्टिकल था वो था पंजाब घोटाले के बारे में, पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बारे में, कि भाई 11,400 करोड़ का घोटाला हुआ, किस तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वो जारी किए गए थे बैंक के कर्मचारी के द्वारा, और फिर जो पैसा है वो वहाँ से लिया गया था दूसरे बैंकों से, वो सारा सिस्टम हमने देखा कि बैंक इसमें गारंटर बनता है वो सारे पॉइंट। इसके साथ ही हमने देखा कि कोर बैंकिंग सर्विसेज क्या होती हैं। इसके बाद भी हमने देखा अगला आर्टिकल था कि भाई सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रोसीडिंग होती हैं वो लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बारे में हमने मेनली सारे पॉइंट्स ये देखे कि भाई लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए, और जो
मुद्दे इंडिया के, जो मुद्दे मतलब पब्लिक इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि सबरीमाला टेम्पल का, वो सारे मुद्दे पब्लिक में सामने आने चाहिए, और कुछ सेंसिटिव मुद्दे हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही जो लोगों को पता चलना चाहिए कि भाई न्याय हो रहा है, और लोगों को न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। इसके बाद में एक राइटर थे, उनका यह कहना था कि नहीं भाई बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा, क्योंकि लोग जजों की जो स्टेटमेंट वगैरह उनको समझ नहीं पाएंगे और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और कई बार तो क्या पब्लिक को कॉन्फ्लिक्ट का भी मुद्दा होता है कि लोग विरोध करें कि भाई ये जज इस तरीके के सेंसिटिव केस क्यों ले रहे हैं, तो मतलब लोग उस चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। बट बाद में एक पॉइंट ये आया था कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि जब भी फ्यूचर में रिव्यू वगैरह हो रहा हो तो उस चीज़ को समझ सके कि भाई इस जज का क्या स्टेटमेंट था। इसके बाद में राइटर का यह कहना था कि भाई सब अच्छी बात है कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, बट सबसे अहम बात यह है कि फंडामेंटल रिफॉर्म होने चाहिए। जब तक जुडिशियरी में फंडामेंटल रिफॉर्म नहीं होंगे, स्ट्रक्चर रिफॉर्म नहीं होंगे, तब तक का मामला है वो सेट नहीं होने वाला है। इसके बाद में हमने अगला आर्टिकल देखा कि एजुकेशन के बारे में, कि कोठारी आयोग था 1966 में, जिसने कहा था कि भाई हमारे देश की GDP का अप्रोक्सीमेट 6% पैसा वो खर्च होना चाहिए, बट सरकार अभी तक पैसा वो कर रही है 3% से भी कम, मतलब 2.78 के आसपास पैसा वो खर्च कर रही है, जो कि भी हमारे देश की एजुकेशन के लिए ठीक नहीं है। पब्लिक पॉलिसी देखा जाए, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग की बात हो, उन सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। इसके बाद में बात आती है कि प्रैक्टिकल जो लैब है, लेबोरेटरीज हैं, उनके ऊपर फोकस करना होगा, और फंड के साथ साथ एक पॉलिटिकल विल और एजुकेशन को प्राइमरी मुद्दा है वो बनाना होगा। इसके बाद हमने कनाडा के प्रधानमंत्री की इंडिया विजिट के बारे में कुछ पॉइंट देखे कि भी मौका है, ये वापस रिलेशन इंप्रूव किए जा सकते हैं, और इंडिया और कनाडा के रिलेशन काफ़ी आगे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो कनाडा फुलफिल कर सकता है, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, एनर्जी के सेक्टर मामले में। इसके साथ ही एजुकेशन के मामले भी कनाडा काफी अच्छा है, तो इंडिया वहां से कुछ सीख सकता है। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। फिलहाल आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।